मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीएसटी जो पेपर है इसमें आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पूर्ति सप्लाई। सबसे पहले यह आपको पता है कि जीएसटी का जो कर लगाने का आधार है वो माल और सेवा की पूर्ति है। जैसा अपन पिछले चैप्टर्स में देखते आए हैं कि कर की गणना और कर संग्रहण सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि माल की या सेवा की पूर्ति हो रही है या दोनों की पूर्ति हो रही हो। तो इस धारा के अनुसार जीएसटी तभी लगाया जा सकता है जब माल, सेवा या दोनों की पूर्ति हुई हो। तो इस प्रकार से जीएसटी में पूर्ति ही कर लगाने का आधार है। और पूर्ति दो प्रकार की हो सकती है, माल की पूर्ति और सेवाओं की पूर्ति। तो जीएसटी में पहले यह समझना जरूरी है कि माल क्या है और सेवाएं क्या है। तो गुड्स की जो परिभाषा है, गुड्स से आशय मुद्रा और प्रतिभूतियों से अलग प्रत्येक प्रकार की चलायमान संपत्ति, मूविंग एसेट्स, किंतु इसमें अभियोजन योग्य दावे, उगती फसलें, भूमि से जुड़ी हुई या उसके भाग के रूप में ऐसी घास से वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें पूर्ति करने के पूर्व या पूर्ति के अनुबंध के अधीन पृथक किए जाने का एग्रीमेंट किया गया हो। सेवाओं से क्या मतलब है? इससे आशय माल, धन और प्रतिभूतियों से अलग किसी भी प्रकार की सेवा से है, किंतु इसमें धन का उपयोग या नगद का किसी अन्य रीति से, एक करेंसी से अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, करेंसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा परिवर्तन जिसके लिए पृथक से प्रतिफल हो सम्मिलित है और इससे संबंधित सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं। क्योंकि जीएसटी की जो काउंसिल है उन्होंने अपनी बैठक में ये अनुशंसा की गई है कि प्रतिभूतियों के लेन देन की सेवा के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है कि वह न तो माल माना जाए न सेवाएं, क्योंकि उन पर अलग से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एसटीटी लगता है, परंतु इसके संबंध में जो दलाली आदि है उनके व्यय उनको सेवा माना जाता है, उन पर सेवा कर लगेगा। अब यहाँ पूर्ति से क्या मतलब है? वैसे तो जीएसटी अधिनियम में पूर्ति की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, क्योंकि परिभाषा देने पर हर व्यक्ति उसमें अलग अलग मीनिंग लगाकर, अलग अलग व्याख्या करके और कर दायित्व से बचने की कोशिश करता है। जैसे आयकर अधिनियम में भी आय की परिभाषा नहीं दी गई है लेकिन स्रोत दिए गए आय की। तो इसी प्रकार से यदि किसी लेन देन में प्रतिफल नहीं हो तो उसे पूर्ति माना जा सकता है, तो इसलिए परिभाषा नहीं दी गई है। यदि दो व्यक्ति वस्तु विनिमय के रूप में किसी वस्तु या सेवा की अदला बदली करते हैं और उनमें से कोई एक भी पंजीकृत है तो उसे पूर्ति माना जाएगा। पूर्ति की अवधारणा को पूर्ति के क्षेत्र का अध्ययन करके समझा जा सकता है, तो जो अपन आगे चल के देखेंगे। इसके अतिरिक्त पूंजी पूर्ति की अवधारणा जानने से पहले पूर्ति के समय और स्थान और पूर्ति के मूल्य को भी जानना आवश्यक है। सरल रूप से अगर समझें अपन तो पूर्ति में दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, पूर्तिकर्ता सप्लायर और प्राप्तकर्ता यानी रेसिपेंट। तो जो परिभाषा जीएसटी अधिनियम में दी गई है पूर्तिकर्ता की वो देखिए, किसी भी सामान या सेवा या दोनों के संबंध में पूर्तिकर्ता का अर्थ उस सामान या सेवा या दोनों को पूर्ति करने वाले व्यक्ति से होगा और इसमें ऐसे एजेंट को शामिल करना होगा जो माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में ऐसे पूर्तिकर्ता की ओर से पूर्ति करता है। तो एजेंट भी शामिल होंगे इसमें, वो भी सप्लायर हो सकते हैं और जो एक्चुअल में सप्लायर है वो भी इसमें आएगा। प्राप्तकर्ता कौन है? वस्तु और सेवाओं या दोनों की पूर्ति प्राप्त करने वाले को प्राप्तकर्ता से
आशय लगाया जाता है और जिसमें निम्न से है, जहाँ सामान सेवाओं और दोनों की पूर्ति के लिए एक प्रतिफल देय हो, वह व्यक्ति जो उस प्रतिफल का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है वो प्राप्त करता है। जहाँ माल की पूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है, तो जिस व्यक्ति को सामान वितरित या उपलब्ध कराया जाता है या जिसके पास माल को सौंपा जाता है यानी डिलीवरी दी जाती है, जिसे उसका उपयोग करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है, वह प्राप्तकर्ता माना जाएगा, जहाँ पर प्रतिफल देय नहीं है। जहाँ किसी सेवा की पूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है, तो जिस व्यक्ति को सेवा प्रदान की जाती है तथा जहाँ जिस किसी व्यक्ति को सेवा प्रदान की गई हो को पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति का संदर्भ पूर्ति के प्राप्तकर्ता के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा और उसमें एक एजेंट को भी शामिल किया जाएगा जो उस व्यक्ति की ओर से सामान या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में प्राप्तकर्ता की तरफ से कार्य करता है। तो ये धारा 293 के अंतर्गत यह दिया गया है। अब आगे चलकर अपन देखेंगे कि पूर्तिकर्ता का क्षेत्र, पूर्ति का क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ सप्लाई, पूर्ति की विषय वस्तु क्या है, कंटेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई का स्थान क्या है, सप्लाई का मूल्य क्या है, कैसे निर्धारित करेंगे, ये इस चैप्टर में आगे चलकर अपन देखेंगे। और आगे चल के ये भी देखेंगे कि संयुक्त और निश्चित पूर्ति क्या होती है और उसके संबंध में कर दायित्व क्या होता है, इसको भी आगे चलकर अपन अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर में आगे बहुत सारी कर योग्य पूर्तियां क्या है, इनपुट और आउटपुट सप्लाई क्या है, पूर्ति के क्या प्रकार हो सकते हैं, ये चलकर अपन आगे इस चैप्टर में देखेंगे।